नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। अगर आपको चारों तरफ अपराध और निराशा भरी खबरें परेशान करती हैं, तो हमारी कोशिश है आशा की उम्मीद जगाएं, आपको ऐसी बेटियों से मिलाएं जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से देश का नाम रोशन कर रही हैं। हालात का रोना रोने की बजाय इन बेटियों ने अपनी मेहनत पर भरोसा किया तो साथ समाज और व्यवस्था ने भी दिया। रेतीले टीलों के लिए पहचाने जाने वाले राजस्थान का एकमात्र पर्यटक स्थल है माउंट आबू। आदिवासी इलाके के साथ साथ अध्यात्म की गूंज भी यहाँ की वादियों में सुनाई पड़ती है। इन्हीं खूबसूरत चोटियों की शान बढ़ा रही है यहाँ की एक बेटी सियावा। राजस्थान के सिरोही जिले में 1000 की आबादी वाले इस गांव की पहचान दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में है, और ये पहचान दिलाई है यहाँ की एक आदिवासी बेटी ने। गांव की पीली मिट्टी को सांचों में ढालकर रंगों से सजाती इस बेटी का नाम टीपू है, जो अपने हाथों के हुनर से बेजान मूर्तियों को जीवंत बनाती है। राजस्थानी परिवेश को अपनी कला से दुनिया भर में पहुंचाने वाली टीपू ने शुरुआत पेट भरने के लिए की थी, क्योंकि 15 साल पहले पति की अचानक मौत के बाद 4 बच्चों की परवरिश एक चुनौती थी। उस वक्त आदिवासी परंपराओं के मुताबिक समुदाय ने पुनर्विवाह की सलाह दी, लेकिन बच्चों के भविष्य के मद्देनजर टीपू ने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुना। 2001 में राजस्थान आदिवासी मिट्टी शिल्प नामक संस्था बनाई, दूसरी महिलाओं को भी जोड़ा और हाथ के हुनर को विरासत संजोने में लगाया। हाथ कंगन को आरसी किया, टीपू की मेहनत रंग लाई। हस्तशिल्प के केंद्र उदयपुर की एक संस्था ने इन्हें अपने साथ जोड़ा। नाबार्ड ने भी इनकी कला को परखा। नतीजा ये हुआ कि इन खूबसूरत मूर्तियों की मांग बढ़ने लगी। देश ही नहीं, दुनिया भर में निर्यात की जाने वाली इन कलाकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जगह मिली, और 2006 में राष्ट्रपति ने टीपू को सम्मानित किया। जनजाति क्षेत्र में काम करने वाली ये बेटी आज सुविधा संस्था की कोषाध्यक्ष है, तो खुद के आदिवासी मिट्टी शिल्प फेडरेशन की सचिव। कभी स्कूल नहीं जाने वाली बेटियों के लिए वे इन मूर्तियों से भी खूबसूरत मिसाल है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। आपके आसपास आपने कई बार ससुराल में बेटियों पर जुल्म की कहानियां सुनी होंगी, या फिर समाज से मिलने वाली प्रतिक्रियाएं भी देखी होंगी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। बेटियां सबक ले सकती हैं मध्य प्रदेश की कमलाबाई से, जिसने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो साथ पूरे गांव ने दिया। मध्य प्रदेश के बरखेड़ा हसन गांव की कमला बाई की ये बड़ी उपलब्धि है। माता पिता बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। 14 साल की उम्र में भाई ने शादी कर दी। ससुराल पहुंची तो पति शराबी निकला। जीना मुश्किल था, लेकिन परिवार बनाए रखने के लिए कमला ने सब कुछ बर्दाश्त किया। 10 साल तक पति के जुल्मों का शिकार होती रही, बच्चों की परवरिश से भी समझौता किया, लेकिन आखिरकार सब्र का बांध टूटा और फिर आगे बढ़ी तो नदी के बहाव की तरह कमला ने पीछे नहीं देखा। मजदूरी कर अपने 3 बच्चों को पाला तो कर्मठता और सजगता से आशा कार्यकर्ता बनी। अपने काम और व्यवहार से कमला ने गांव वालों का दिल जीत लिया और महिलाओं की आवाज बनी। और फिर किस्मत मेहरबान हुई, गांव की सरपंच की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई, तो कमला के प्रयासों को पंख मिले। पूरा गांव कमला के साथ खड़ा हो गया तो राज्य सरकार से मिला निर्विरोध निर्वाचन का पुरस्कार। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। यानी अगर आप सही रास्ते पर हैं, तो दूसरों को भी आपके पीछे आना पड़ेगा, या यूं कहना चाहिए कि सही रास्ते पर चलने वालों की संख्या आज भी ज्यादा है। तभी तो उत्तर प्रदेश की बेटी अरुणिमा सिन्हा ने मुंह तोड़ जवाब दिया उन लोगों को जो पूरे समाज को कलुषित कर रहे थे। देखिए साहस की ये कहानी। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हाथों में तिरंगा लिए मुस्कुराता ये चेहरा
देश की उस बेटी का है जिसने अपने हौसलों से आसमान को झुका दिया। 22,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ी ये अरुणिमा सिन्हा है जिसके जुनून के आगे डॉक्टर और मेडिकल साइंस भी हार मान बैठे। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के एक छोटे से कस्बे अकबरपुर की रहने वाली ये बेटी फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। अप्रैल 2011 में मैच खेलने के लिए नोएडा जा रही थी। अकेली लड़की को देखकर लुटेरों ने बदसलूकी की। अरुणिमा ने विरोध किया तो चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। इस हादसे में अरुणिमा का बायां पैर काटना पड़ा तो दाहिने पैर में स्टील की रॉड डाली गई। अस्पताल के बिस्तर में जिंदगी की उम्मीदों को कतरा कतरा बिखरता देख अरुणिमा ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। जीत के जुनून को सलाम खुद प्रधानमंत्री ने किया तो सरकार ने भी महज 27 साल की उम्र में पद्मश्री से नवाजा। एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचने वाली वो पहली महिला है जिसने अपने शरीर को बाधा नहीं बनने दिया और अब वो खेल अकादमी के जरिए अपनी जैसी बेटियों को तैयार करने का सपना देख रही है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। ऐ हालात का रोना रोने वाले, दो चार कदम चल तो सही मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद तेरे कदम चूमे। अरुणिमा जैसी बेटियां इस एहसास की जीती जागती मिसाल है। तो दिल्ली की ज्योति अरोरा, उम्मीदों को जिंदा रखती एक छोटी सी बेटी की बड़ी कोशिश। फूलों की जिंदगी बहुत छोटी होती है और इन फूलों में खुद को तलाशती इस बेटी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। इस मासूम चेहरे के पीछे गहरा दर्द है, कभी नहीं ठीक होने वाली बीमारी थैलेसीमिया का दर्द। और पिछले 37 सालों से इस हकीकत के साथ जी रही इस बेटी का नाम ज्योति अरोड़ा है। गाजियाबाद की रहने वाली ज्योति दिल्ली के प्रतिष्ठित डीपीएस स्कूल की होनहार छात्रा थी, लेकिन थैलेसीमिया से शरीर की लगातार कम होती क्षमता के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। सातवीं कक्षा के बाद वो स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन हार मानने की बजाय ज्योति ने पत्राचार का विकल्प चुना। दिल्ली विश्वविद्यालय से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की तो साथ ही लिखने का सिलसिला शुरू किया। आज वे दो दो नॉवेल लिखने वाली ऐसी सफल लेखिका बन चुकी है। दिन में लेखन का काम करती है तो रात में बतौर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन अमरीकी सॉफ्टवेयर कंपनी में ऑनलाइन सेवाएं देती है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। एक तरफ बेटियां परिवार और समाज का परिचय बन रही हैं, तो दूसरी तरफ आज भी हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों को अकेले बाहर शहर से नहीं भेजते हैं। टैक्सी, कैब से लेकर बस और ट्रेन, हर तरफ असुरक्षा का भाव है। उन सभी लोगों को आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी से से माहौल में दिया बनकर रोशनी फैला रही है। ये बेटी है मुंबई लोकल की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर मुमताज काजी काठावाल। मुंबई की चकाचौंध और आर्थिक दुनिया से दूर मुमताज प्रतीक है जमीनी बदलावों का, विकास की रफ्तार के साथ सामाजिक सोच में परिवर्तन का। ग्लैमर और व्यापार के गढ़ मुंबई में एक मुस्लिम लड़की ने आज से 30 साल पहले जब ये सपना देखा था तो इसे हकीकत में बदलना लगभग नामुमकिन था। पहली बार किसी लड़की ने रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठने का साहस दिखाया था और 1991 में असिस्टेंट ड्राइवर बनकर मुमताज ने अपने साहस भरे सपने को हकीकत में बदल लिया, एकदम फिल्मी कहानी की तरह। भारत ही नहीं, मुमताज एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है। एशिया महाद्वीप में भारत का महत्व अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है, ऐसे में एक साधारण से ट्रंक ऑपरेटर की बेटी पूरे एशिया में भारत का गौरव बढ़ा रही है। सही वक्त पर सही कदम उठाने का फैसला यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है तो रफ्तार वक्त की मांग। रोज ही पीक आवर्स में भीड़ तो रहती ही है। 1995 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुमताज को जगह मिली तो दूसरी बेटियों ने भी इस क्षेत्र का रुक किया। आशंकाओं के बादलों में उम्मीदों का आसमां दिखा रही ये बेटी
देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे एशिया की पहली ट्रेन ड्राइवर बनने का सपना देखा और उसे पूरा किया मुमताज काजी ने, तो आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है मुमताज काजी। स्वागत है मुमताज जी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। सबसे पहले आपने कब सोचा कि आप ट्रेन ड्राइवर बन सकती हैं? एक्चुअली मैं जब थर्ड स्टैंडर्ड में थी तभी मेरे पापा को सांता क्रूज में बॉम्बे में रेलवे क्वार्टर्स मिला, तो हम वहाँ रहने गए, तो वहाँ बाजू से ही ट्रेन गुजरती थी, तो तभी से मैं सोचती थी कि मैं भी कभी ट्रेन चलाऊँ। ट्रेन की एकदम स्पीड से जाती थी और उसका विसल मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो ये आपका सपना था? हाँ, मेरा सपना था। तो ये सपना पूरा कैसे हुआ, क्योंकि महिलाएं उस वक्त तक ट्रेन में ड्राइवर तो छोड़िए अकेले सफर भी नहीं करती हैं। आज भी इस देश में महिलाएं अकेले सफर नहीं कर पाती, बहुत बड़ी संख्या है उनकी। 1988 में इसका एडवर्टाइजमेंट आया था कि लेडीज कैन अप्लाई बट दिस इज हार्ड जॉब फॉर लेडीज, ऐसा स्पेशली लिखा था। बहुत सारी कैटेगरी थी, बहुत सारी जॉब के लिए आया था रेलवे वैकेंसी सब, तो इसके लिए खास लिखा था कि लेडीज कैन अप्लाई बट हार्ड जॉब फॉर लेडीज। तो मैंने सोचा कि ये तो मैं सोचती ही थी और ये आया है, और जो भी चैलेंज का काम मैं पहले स्वीकारती, तो मैंने सोचा ये पहले यही अप्लाई करूँ, और मैंने वही जॉब के लिए अप्लाई किया था। 88 में अप्लाई किया था और उसके बाद मेरा 89 में रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल। चुनौतियों को सामना करना आपको अच्छा क्यों लगता था, क्या वजह थी उसकी आपके घर में? मेरे पापा मुझे कभी भी एनकरेज करते थे, हमारे पूरे घर में हम लोग चार भाई बहन, तभी मेरे पापा हमेशा मुझे एकदम बहुत हौसला बढ़ाते थे पहले से ही। उसकी वजह आपका शुरू से पढ़ाई लिखाई में रुझान था? हाँ, शुरू से पढ़ाई लिखाई में अच्छा मार्क्स भी आता था, मैथ्स में अवार्ड भी आता था, और मेरे पास मैं जैसे 8 में थी तो भी 10th वाले को भी पढ़ाती थी मैथ्स, ऐसा मेरा पहले से मैथ्स इतना अच्छा रहता था। तो पहले से मेरे डैडी मेरे लिए बहुत सोचते थे कि देखो ये कितना आगे आगे का सबको पढ़ाती है, यानी तो डैडी। और इवन मेरे दादा की भी दुआ थी, मैं जब भी फर्स्ट या सेकंड में थी तभी मेरे दादा गुजर गए थे फर्स्ट में थी तभी, लेकिन तभी वो दुआ करते थे कि तू तेरा नाम पूरे दुनिया में रोशन हो, ऐसा वो दुआ करते थे, मुझे आज भी याद है। लेकिन आपके दादा और आपके अब्बा जिस परिवेश में जिस माहौल में थे उस वक्त लड़कियों के लिए बहुत पढ़ने लिखने का माहौल नहीं था? मेरे पापा एक्चुअली रेलवे में ट्रंक सुपरिटेंडेंट चर्चगेट में वर्किंग करते है, तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स है ना मोटरमैन थे बहुत सारे, तो वो रोज आके बातें करते थे मोटरमैन की कि मेरा ये दोस्त मोटरमैन है, आज उन्होंने ये बात की, यानी मोटरमैन की सब कहानी बताते थे और यानी कैसा वो लोग वर्किंग करते वो सब बताते थे। तो तब से मेरे को भी बहुत इच्छा होती थी कि मैं कभी बनूं। तो जब आपने पहली बार परीक्षा में बैठने का फैसला किया तो आपके पापा आपके साथ थे? मेरा रिटर्न टेस्ट में कॉल लेटर आया, तो रिटर्न टेस्ट मेरा भयंदर में आया था नंबर, तो मेरे पापा मुझे छोड़ने आए थे रिटर्न टेस्ट के लिए, तो उधर पूरा स्कूल की जो बिल्डिंग थी तो सब जेंट्स कैंडिडेट आए थे और मैं अकेली लेडीज थी उधर, तो सब डैडी को पूछते थे आपका लड़का किधर है किधर है, मेरे पापा बोले कि नहीं नहीं मेरी तो लड़की आई है। हाँ। तो कोई मानने को तैयार नहीं होता था, बोले क्या तुम बोल रहे हो, बोले हाँ। बोले हाँ मेरी लड़की आई है एग्जाम देने, ऐसा बोले। मुमताज जी के पापा के लिए एक बार बहुत अच्छी सी तालियां। आपके पापा को आसपास के लोगों ने साथ दिया उनका कि भाई बेटी को इतना अच्छा आगे बढ़ा रहे हैं, तो लोगों ने भी सपोर्ट किया, लोगों को भी अच्छा लगा? हाँ, मेरे पापा को सभी ने साथ दिया, सभी ने, इवन कोई गरीब हो या एकदम रिच हो, उसका कोई भेदभाव नहीं देखा, धर्म का भी भेदभाव नहीं देखा, सभी ने उनको एनकरेज किया, बोला कि हाँ आपकी बेटी ने ये सब एग्जाम पास किया है तो उसको आगे बढ़ने दो, उसको कामयाब होने दो और आगे आगे कामयाबी लेने दो। तो जब शुरू में आप आई तो लोगों ने, समाज के लोगों ने, जब आप ट्रेन की ड्राइवर बनी तो किस तरह से रिएक्ट किया, विभाग डिपार्टमेंट के लोगों ने रेलवे के किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया? नहीं, मैं शुरू में आई तो जब भी मेरा ट्रेनिंग था तो पूरा क्लास में यानी क्लासरूम ट्रेनिंग जो होता था वो 50 का पूरा बैच था, मैं अकेली लड़की थी, मेरे पापा पहले दिन छोड़ने आए ट्रेनिंग स्कूल में, तो देखा पूरे 50 बॉयज है और मैं अकेली लेडीज वहाँ ट्रेनिंग लेने गई, तो पापा को एकदम ये लग रहा था लड़की को छोड़ू क्या नहीं छोड़ू, तो उधर जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे बी सिंह करके थे, तो उन्होंने बोला कि अभी आप इसकी जरा भी चिंता मत करो, अभी आप ऐसा सोचो कि ये मेरी लड़की है,
और तभी मेरे पापा को एकदम दिल को एकदम अच्छा लगा और यहाँ तक के सभी जितने बॉयज थे वो सभी मेरे को बहन मानते थे और बहुत मदद करते थे। और पूरा बैच का ट्रेनिंग फरवरी से चालू हुआ था और मैं सितंबर में ज्वाइन हुई थी, तो पूरे बैच वाले सब लड़के लोग ने मेहनत करके मुझे पूरा कवर कराया पोर्शन। आप ट्रेनिंग के दौरान कहाँ रहती थी जब आपकी ट्रेनिंग थी, पापा आपको छोड़ के आए, 50 के बैच में आप अकेली लड़की थी, तो उस वक्त रहती कहाँ पे थी? मैं सांताक्रूज में रहती और कुर्ला में इनिशियल ट्रेनिंग हुआ, एक महीने का कुर्ला में ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद भुसावल में ट्रेनिंग हुआ। भुसावल में बड़ा जोनल ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ मेरा 3 महीने का ट्रेनिंग हुआ। वहाँ सबसे पहले WDM2 जो पहले राजधानी में इंजन चलता था वो सबसे पहले वो इंजन का ट्रेनिंग हुआ WDM2। और उसके बाद WDS4 सब डीजल इंजन का ट्रेनिंग हुआ, ट्रैफिक का ट्रेनिंग हुआ, वो एग्जाम पास करके मैं बॉम्बे आई। तो अब आप रोजाना, क्योंकि आपके तो छुट्टियां बहुत कम होती हैं, तो वो चुनौती परिवार के साथ कैसे तालमेल बैठाती हैं? मुझे मिस्टर का, बच्चों का, इवन माता पिता का, सभी का अच्छा सपोर्ट रहा। तो वो लोग मुझे ये नहीं फील होने देते कि हाँ मेरे को छुट्टियाँ कम है, हमको तो छुट्टी एक भी दिन रेस्ट नहीं रहता है, पूरे 365 days वर्किंग डे रहते हैं ईयर के। तो बच्चे लोग भी अच्छा सपोर्ट करते हैं। इवन मेरी लड़की जो अभी सेकेंड स्टैंडर्ड में, वो तो केजी से ही अपना बुक्स खुद भरती थी। वो यानी मेरे पे यानी माँ को इतना तकलीफ नहीं देने का, खुद बच्चे लोग खुद अपना अपना कर लेते हैं ज्यादा करके। तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपने उस डिस्क्रिमिनेशन को, लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को कभी नहीं देखा अपने परिवार में भी, समाज में भी और विभाग में भी? हाँ, मैंने कभी नहीं देखा। तो आपको मालूम है उसके बारे में कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है? नहीं, मेरे को तो हमारे स्टाफ भी सब एकदम बहुत कोऑपरेटिव है। अभी मेरा 23 साल कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा 23 साल हो गया ऐसा, इतना एकदम। इवन सबर्बन में मेरा यानी लोकल ट्रेन चलाते हुए मेरा 10 साल पूरा कंप्लीट हो गया। तो इतना हमको एक भी दिन रेस्ट नहीं रहता, तो इतना जल्दी जल्दी ऐसा यस जाता है, समझ में भी नहीं आता कि इतना जल्दी 10 साल हो गया ऐसा लगता है। तो एक बार बहुत अच्छी सी तालियां मुंबई रेलवे के लिए भी, जिन्होंने मुमताज काजी को इतना सहयोग दिया। रेलवे विभाग ने मुमताज के लिए अब तक क्या किया है, मुमताज का आगे का सफर किस तरह से रहने वाला है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।